देखिए, बचपन से ही ना स्नोफॉल देखना बहुत से लोगों का सपना होता है। उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूँ। सर्दी का मौसम था और पिछले कई दिनों से पहाड़ों में बर्फबारी भी हो रही थी, तो अपने स्नोफॉल देखने वाले सपने को पूरा करने की उम्मीद मेरे दिल में भी जग उठी। फिर क्या था, निकल पड़ा मैं भी इस उम्मीद में कि इस बार तो ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। मेरा ये जो वीडियो है चेजिंग स्नोफॉल टू धनौल्टी, इसमें बर्फ तो बहुत देखी पर क्या स्नोफॉल होते हुए देखा, ये तो आपको वीडियो देख के ही पता लगेगा। ये चिली मशरूम, एक मैगी। तो यार चंबा अभी हम लोग पहुंचे और एक थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह के लिए रुके थे। 6 घंटे ड्राइव करते करते बहुत टाइम हो गया और यहां से निकलते हैं। अभी 1 घंटा और दिखा रहे धनौल्टी के लिए अभी, और आगे जो रेस्टोरेंट वाले अंकल थे बोले कि बर्फ गिरी हुई है, तो थोड़ा ध्यान से गाड़ी चलाने के। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग टू येट अनदर वीडियो। हम लोग धनौल्टी में इस टाइम पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स कवर्ड इन स्नो। सब जगह भारी स्नोफॉल हो रखी है। पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और उसी को देख के हम लोग दिल्ली से यहाँ पर आए भी थे चेजिंग स्नोफॉल टू धनौल्टी। अब स्नोफॉल देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है वो देखना पड़ेगा हमें, लेकिन पिछले तीन चार दिन से तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी है। वैसे तो सब जगह जमी हुई है स्नोफॉल, 3-4 दिन से जो स्नोफॉल हुई है वो सब जगह जमी हुई है, बट गिरते हुए स्नोफॉल जो है वो हम लोग देखने आए थे। इसीलिए इसका नाम भी चेजिंग स्नोफॉल हमने सीरीज रखा हुआ है। लेट्स सी अगर स्नोफॉल देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है। और बाय द वे हम लोग यहाँ पे ग्लैमवुड रिजॉर्ट करके है धनौल्टी में, यहाँ पर रुके हुए हैं। चंबा मसूरी जो रोड है उसे 800 मीटर अंदर आके यहाँ पर ये ग्लैमवुड रिजॉर्ट है। बहुत ही प्यारी सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं और स्नोफॉल की वजह से सारे जो रूम्स हैं वो सब फुल हैं इस टाइम पे, और नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है। मेरा नाम पंकज कटारिया है मैं, और ये जो धनौल्टी में हमारा एक रिजॉर्ट है जिसका नाम ग्लैमवुड रिजॉर्ट है, और मैं इसका ओनर हूँ। तो बहुत ही प्रकृति की गोद में एक बहुत ही सुंदर जगह है धनौल्टी। मेन रोड से हमारा रिजॉर्ट 800 मीटर हाईवे से अंदर है। अपवर्ड वॉकिंग डिस्टेंस टूवर्ड द रिजॉर्ट इज 60 मीटर्स अराउंड। 3-स्टार हमारी एमिनिटीज़ हैं सारी की सारी, और कभी भी आपको धनौल्टी में आना हो तो प्लीज़ ग्लैमवुड रिजॉर्ट को रिकमेंड करिए, खुद भी आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि आप कोई भी बात हो अगर हम उसको फ्यूचर में सुधार भी सके। यही सर, एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है हमारा, कॉन्टैक्ट नंबर है 9711668160। और बाय द वे 8 बज गए सुबह के, 8 o'clock का टाइम है और टेम्परेचर जो इस टाइम पे -3 degrees है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है इस टाइम पे। और 3-4 दिन से जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हो रही थी उसकी वजह से पूरी प्रॉपर्टी में लाइट नहीं है। इन्वर्टर से काम चला रहा है, बल्ब चला रहे हैं, इन्वर्टर से चल रहे हैं यहाँ पे, और गर्म पानी भी नहीं है तो ठंडे पानी में हाथ धोना पड़ रहा है। सब कुछ जो ठंडे पानी से करना पड़ रहा है, उसकी वजह से अभी पीने के लिए गर्म पानी दे के गए। ये देखिए भाप निकल रही होगी, वो पकड़ के हाथों को थोड़ा गर्म कर रहे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है इस टाइम पर। बाकी पानी पीते हैं गर्म, और चाय भी मंगाइए, चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं यहाँ से।
ये ऊपर होटल है और यहाँ पूरी बर्फ जमी हुई है, इसलिए स्लिपरी हो गया है बहुत ज़्यादा, तो धीरे धीरे आना पड़ रहा है। और यहाँ से नीचे जाके, ये पूरा यहाँ से नीचे जाना है और वो वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है, तो वहाँ तक अभी हमें जाना है। पूरी यहाँ स्नो गिरी हुई है 3-4 दिन से जो हो रही है। धनौल्टी का जो पूरा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है सबसे ज़्यादा, सुरकंडा देवी का मंदिर है, वहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। टेम्पल के आधे रास्ते में हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं। रास्ता इतना टफ नहीं है बट बर्फ बहुत ज़्यादा गिरी हुई है और जम के ठोस हो गई है वो, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी रास्ता हो गया है। आधे लोग जो थे वो तो रास्ते में से चले गए। सो लेट्स सी अभी आगे और कितना है, चल रहे हैं धीरे धीरे। माता जी ने बुलाया है तो दर्शन करके ही आते ऊपर से। तो फाइनली हम ऊपर तक पहुंच गए हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है और यहाँ पे रोप वे का काम भी चल रहा है। ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है रोप वे का काम और अभी ट्रायल रन इसके चल रहे थे, लेकिन 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है उसकी वजह से रोक दिया गया है। 2 घंटे लगे हमको यहाँ तक पहुँचने में। विंटर स्नो ट्रैक हमने कर लिया, माई फर्स्ट स्नो ट्रैक, पूरे के पूरे रास्ते में बर्फ पड़ी हुई थी, मज़ेदार था। 2 घंटे में हम लोग पहुँच गए हैं और अगर फ्यूचर में अगर आप आ रहे हैं तो एक दो महीने में शायद से रोप वे भी ओपन कर देंगे, तो इससे भी आप लोग आ सकते हैं। चार्जेस वगैरह अभी तो कुछ पता नहीं। चलिए वहाँ मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं।
सुरकंडा देवी भी कितनी स्नो है इसका अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि बेंचें लगी हुई थी बैठने के लिए पूरी बर्फ में ढक गई है। दो दो तीन तीन फुट की बर्फ जमी हुई है यहाँ पे, पूरा बर्फ, पूरी बर्फ ही बर्फ आगे जमी हुई है। ये जो सुरकंडा माता टेम्पल है इसकी काफी मान्यता है यहाँ पे आसपास के क्षेत्र में, टिहरी गढ़वाल का जो क्षेत्र है यहाँ पर। 51 शक्तिपीठ है ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनमें से एक ही है ये। पूरी की पूरी जो हिमालयन रेंज है वहाँ से साफ दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छे नज़ारे आ रहे हैं। और इसकी जो हाइट है करीब 2700 मीटर के करीब है। धनौल्टी पे जब धनौल्टी में जहाँ हम लोग रुके थे वो 2200 मीटर के करीब है, और ये 2700 मीटर है, उससे भी 500 मीटर ऊपर है। इसमें ठंड भी ज़्यादा है और बर्फ़ तो आप देख ही रहे कितनी बर्फ़ जमी हुई। डन, हम लोग नीचे आ गए हैं, अब गाड़ी की तरफ चलते हैं। दर्शन हमारे पूरे हो गए, ट्रैक पूरा हो गया हमारा, बिल्कुल बर्फ के साथ गाड़ी खड़ी है। सड़क पे ही पार्किंग है तो बिल्कुल सटाके लगाई हुई है।